दोस्तों आज हम बात करेंगे 95 के दशक में बनी फिल्म करण अर्जुन के बारे में। दोस्तों करण अर्जुन एक ऐसा फिल्म है जिसके दीवाने लोग आज भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जगह है क्वेटा, वहां के थिएटर में ये फिल्म आज भी चलाई जाती है। क्या आपको पता है कि इस फिल्म की शूटिंग किस राज्य के गाँव में हुआ था? तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग किस गाँव में किया गया था। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के भानगढ़ गाँव में किया गया था। दोस्तों इस हवेली को देखिए, अगर आपने करण अर्जुन फिल्म देखी होगी तो आपको ये हवेली तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही हवेली है जिसमें अमरीश पुरी साहब ठाकुर दर्जन का रोल निभाते हैं, और इसी हवेली में हमारे अजय भाई की वाइफ काजल भाभी को कैद कर दिया जाता है फिल्म के दौरान। दोस्तों यहाँ पे शाहरुख खान प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि 28 नाइट का है ना, दोस्तों इस फिल्म में आपने घोड़ों का सीन कई बार देखा होगा। विलन आते हैं, घोड़े पर आते हैं और हमारे हीरो को मार देते हैं। हम देखने वाले हैं घोड़ों का एक्शन सीक्वेंस सीन कब और कैसे शूट किया गया। Action! दोस्तों इस फिल्म में सलमान खान की काफी तारीफ की जाती है, उन्होंने इस फिल्म में काफी अच्छा काम किया। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सलमान खान काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब उन्हें एक बॉडी बिल्डर के साथ फाइट करना रहता है उस वक्त सलमान खान काफी घबरा जाते हैं कुछ देर के लिए। मगर दोस्तों इस फिल्म में एक दूसरा हीरो भी होता है जो इस बॉडी बिल्डर को मार मार के चटनी बना देता है, और उस हीरो का नाम है शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, जब बात शाहरुख खान की आती है तब चाहे बॉडी बिल्डर हो या साउथ के विलन हो या फिर हमारे पठान मूवी के जॉन भैया, मार मार के चटनी बना देते हैं ये शाहरुख खान। दोस्तों अब इन गांव वालों को देखिए, इनकी तो लॉटरी लग गई, एक साथ दो सुपर स्टार इनके गांव में। ये सारे लोग काम धाम छोड़कर बस फिल्म की शूटिंग देखना चाहते हैं। शाहरुख खान एक बच्ची से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे फिल्म की शूटिंग देखना चाहोगी, तो लड़की का जवाब था हमें काम चाहिए साहब, ना कि फोकट की शूटिंग। तो मैं देखो शूटिंग देखने का है ना, तो ये देखने का है, काम करने का है, एक्टिंग करने का है। आ
आप शाहरुख खान को देख सकते हैं। 95 के दशक में कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, तो शाहरुख खान अपने फिल्म की प्रचार चलती सड़क पर कर रहे हैं, अपनी फिल्म की रिलीज की टाइमिंग बताते नजर आ रहे हैं। थोड़े दिन में आएगा, आराम से पैर में अभी आएगा। कौन आ रहा अभी? फारूक भाई, थैंक यू। 9 बजे आएगा, 9 बजे आके देखो बेटा, 9 बजे आएगा। आराम से, आराम से, आराम से यार, लगेगा। चलो चलो, आता है, आता है, अभी आता है। दोस्त, वो 95 के दशक था जब शाहरुख खान को अपने फिल्म के प्रचार के लिए चलते राह पर लोगों को बताना पड़ता था। पर अब बात अलग है, ये डिजिटल जमाना है। यहाँ शाहरुख खान को अपने फिल्म के प्रचार के लिए चलती राह में लोगों को बताना नहीं पड़ता, बल्कि इस वर्ल्ड के सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर इनका ट्रेलर चलाया जाता है और पूरे वर्ल्ड को बताया जाता है कि इस डेट को शाहरुख खान की फिल्म पठान आ रहा है। दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।